आप एक स्टूडेंट हैं और जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर चुके हैं, या फिर आप सोच रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का, वो भी जर्मनी के लिए, जी हाँ जनाब, अगर आप करना चाहते हैं ये दोनों काम, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है जर्मनी में आने के बाद रहाइश की, यानी अकोमोडेशन की। तो जब आप जर्मनी में आओगे तो आपको रहने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है आपने जब स्टडीज़ करनी है यूनिवर्सिटीज़ में या फिर किसी कॉलेज में, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अदद रिहाइश आपके लिए, और वो भी अवेलेबल फौरी जब आप जर्मनी में पहुंचे। तो आज इस वीडियो में आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि कैसे आप जर्मनी में जो है अपनी रिहाइश अरेंज कर सकते हैं, और वो भी एडवांस में। और अगर आप एडवांस में नहीं कर पाते तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो जर्मनी आने के बाद, ताकि आप आसानी से यहाँ पर रह सको और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा नाम है उमर, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वीज़ा गुरु। आज ये नई फ्रेश एपिसोड में आपको मैं तमाम इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जर्मनी में जब आप आते हैं तो यहाँ पर रहने के जो तरीके हैं, जो रिहाइश है, जो अकोमोडेशन है, वो होती है दो तरह की। सबसे पहली तरह की जो रिहाइश होती है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद जो दूसरी रिहाइश होती है वो होती है प्राइवेट अकोमोडेशन या फिर प्राइवेट रिहाइश। तो फ्रेंड इसमें मैं आपको पहले साफ क्लियर कट बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी हॉल्स ऑफ रेजिडेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं उस चीज़ की निस्बत जो कि आप प्राइवेट रिहाइश लेते हो जर्मनी में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम स्टूडेंट हॉल्स ऑफ रेजिडेंस जो है या स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल जो हैं वो कैसे बुक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल फ्रेंड्स में अगर आप रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको रेंट जो पे करना पड़ता है वो होता है ऑलमोस्ट 150 यूरो से लेके 250 यूरो तक। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है उनमें ऐसे होता है कि 150 से लेके 200 तक के दरमियान में ही रेंट रहता है पर मंथ। इसमें आपको एक कमरा मिलता है अलग से जिसमें आप अकेले रहते हो, लेकिन आपका किचन और बाथरूम जो है वो शेयर्ड होता है, इसलिए इसका रेंट जो है वो कम होता है। अगर आप ये रिहाइश लेना चाहते हो तो आपको अपना एडमिशन फाइनल होते ही इस रिहाइश के लिए अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए आपकी हेल्प करेगा स्टूडेंटेनवर्क यानी स्टूडेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हर यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, तो जिस यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे उस रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ये एक इदारा है जो कि आपको हेल्प करता है अकोमोडेशन लेके देने में। तो एडमिशन फाइनल होते ही आप इसको ईमेल कर दो, बता दो कि आप स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स में रहना चाहते हो और आपको रिहाइश की ज़रूरत है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने अगर अकोमोडेशन फाइंड करनी है जर्मनी में जर्मनी आने से पहले तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, ये आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप पढ़ के इसको ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके लेफ्ट टैब में यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, सॉरी सेलेक्ट सिटी, और यहाँ पे फिर आपने क्लिक करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हाइडलबर्ग, ठीक है। एच को हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने प्रेस किया, हाइडलबर्ग का साइन आ गया। फिर नीचे टैब पे क्लिक करके आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी हाइडलबर्ग, इसमें हमने क्लिक किया तो ये हमको ऑप्शंस दे देगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है फाइंड स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल, ये आपको बता देगा कि यहाँ पे जो है प्लेसेस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कम्युनी हाउस, और इसके बाद है ओगोपा हाउस, उसके बाद है ओगोपा हाउस 2, ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये है ओगोपा हाउस 2 ब्लॉक 61, ये इसका एड्रेस है, ये जहाँ पे जगह है इसको मैं जानता हूँ, जो कि मैं इसी शहर में रहता हूँ, ये तकरीबन मुझसे 10 मिनट के फासले पे है पैदल अगर आप जाएं। तो इसमें 58 प्लेसेस अवेलेबल हैं, और वन मंथ का जो रेंट है वो 195 से 346 है। आपको बता दूं कि ये जिस सिटी का मैंने खोला है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिटी है। ये जो है वो स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स की रिहायशें हैं, यहाँ पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पे कितनी प्लेसेस फ्री हैं, इस पे इंटरनेट एक्सेस है इन कमरों में, टीवी कनेक्शन है, यस शेड फैसिलिटीज़ हैं, म्यूजिक रूम्स हैं, स्टूडेंट रेजिडेंस बार है, स्टूडेंट रेजिडेंस कैफे है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर्स हैं, सब हैं, बाइक खड़ी करने की जगह है। उसके बाद तमाम डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आपको बता दूं जब आप जर्मनी में रिहाइश लेते हो आपको कुछ डिपॉजिट पहले पे करना पड़ता है, जो कि अमूमन 2 से 3 मंथ्स का एडवांस रेंट होता है, तकरीबन 500 से 600 यूरो आपका एडवांस देना पड़ेगा, बाकी रेंट पर मंथ आपने पे करना है, आपके बैंक अकाउंट से कटता चला जाएगा। तो अगर आप इस तरह की कोई रिहाइश बुक करना चाहते हो तो आपको रब्ता करना पड़ेगा, ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत ईजी है, यहाँ से आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हो, उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो और इनसे खुद भी रब्ता कर सकते हो। तो ये था तरीका था फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपने
रेजिडेंस अपने लिए फाइंड करनी है स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स में। उसके बाद एक और तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, वो ये है कि आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपने जो है वो स्टूडेंट वर्क, जो स्टूडेंटन वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसके ज़रिए भी आप रिहाइश ले सकते हो। इनके ऑफिसेज आपको मैं बता देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो पूरी जर्मनी में इनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गिटिंगन में, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंटन वर्क गिटिंगन का एड्रेस निकल आएगा। यहाँ पे इनका टेलीफोन है, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है, आप यहाँ पे क्लिक करके इनसे रब्ता कर सकते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ इस तरह इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन आपने सिटी वही चूज करना है जहां पे आपका एडमिशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एडमिशन हुआ है कील सिटी में, ये कील सिटी है इसकी किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं इस पे क्लिक करके फिर रापता कर सकता हूँ यहाँ पे इसके स्टूडेंट इन वर्क से। ये इनका फोन है, ईमेल लिख सकता हूँ कि जी इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, मुझे फौरी तौर पे जो है वो रिहाइश चाहिए, वो आपको इसका प्रोसीजर बता देंगे। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स में ही जाएं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। अगर आपको वहाँ पर रिहाइश नहीं मिल पाती किस तरीके से, आप एडवांस में बुक करना नहीं चाहते, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन अपने अरेंज कर लें। प्राइवेट अगर अकोमोडेशन भी फ्रेंड्स दो तरह की होती है, एक तरह के प्राइवेट अकोमोडेशन को कहते हैं WG, वे गे उसे जर्मन में कहते हैं, या फिर वोन गेमाइनशाफ्ट यानी इकट्ठे रहना। इसमें ये होता है कि ये होता बिल्कुल स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल की तरह ही है, लेकिन ये फ्रेंड प्राइवेट लोगों के होते हैं जिसमें आपको अकेला रूम मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको जो किचन और बाथरूम जो है वो शेड होता है। इसका रेंट तकरीबन 300 यूरो से लेके 400 यूरो के दरमियान हो सकता है। इसकी अगर आपने तलाश करनी है तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, वो वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो। ये वेबसाइट फ्रेंड्स मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इस वेबसाइट को चेक करके देख सकते हो इसका तरीकाकार क्या है। ये फ्रेंड्स इस वेबसाइट का नाम है wegegesucht.de, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके यहाँ पे सबसे पहले आपने कैसे तलाश करनी है अपनी रिहाइश का, आपने यहाँ पे सिटी का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं फ्रैंकफर्ट, तो यहाँ पे आपने फ्रैंकफर्ट एम माइन हेसन ये इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वोनुंग है, आइनसिमर वोनुंग है, आइनसिमर वोनुंग का मतलब होता है एक रूम वाला कमरा, या वेगी सिमर है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो वेबसाइट है ये आपको दो ऑप्शन फराहम करती है, एक वोन गेमाइनशाफ्ट यानी इकट्ठे रहाए जिसमें कमरा आपको एक मिलेगा लेकिन बाथरूम और किचन अलग से होंगे जो कि शेयर्ड होंगे। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है, ये अगर आप वेगी सिमर पे क्लिक करोगे तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद एक और है वन सिमर वोनुंग, वन सिमर वोनू का मतलब होता है आपको कमरा भी मिलेगा, कमरे के साथ अटैच बाथ भी होगा, किचन भी होगा छोटा सा। इसमें दोनों में आपको ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप वेगे को चूज करते हो, ये सस्ती होती है, तो उसके बाद आप फिंडन पे क्लिक करते हो, जब ये जर्मन में है वेबसाइट, आप इसको इधर से ऊपर से इसको चेंज कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो नीचे इन्फॉर्मेशन मौजूद है, शून्य से सिम इन हेला डाक शोस वोनुंग नेयर सेंट रूम, इसकी डिटेल लिखी हुई है, नीचे भी एक और लिखी हुई है, इन सब से आप रब्ता कर सकते हो। एक मैं बात आपको बता दूं, अगर आप चूज करते हो स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स तो वो आप एडवांस में बुक कर सकते हो एडमिशन होते साथ ही, लेकिन अगर आप प्राइवेट अपने लिए बुक करते हो कोई भी फ्लैट तो फिर आपको फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आके पहले मालिक से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जगह बुक कर पाओगे। तो ये थी वेबसाइट। उसके बाद एक और वेबसाइट है जिसका नाम है इमिबिलियन स्काउट 24, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो इसकी जुबान को भी, गूगल क्रोम में यूज करोगे तो आपको इशू नहीं होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे वो ओट या स्टार्ट, यहाँ पे आपने सिटी का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल आप देते हो हाइडलबैग, तो फिर आप क्लिक करोगे अपने नीचे उसमें वो ऑप्शन पूछेगा आपसे। यहाँ पे फिल्टर्स हैं प्राइस भी, इसके आप कितनी ऑप्शन की यूज़ कर सकते हो, चाहिए आपको रहाइश कित तक, यानी अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो 400 यूरो तक तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। सिमर आपने यहाँ पे बता देना है कि एक सिमर हो, सिमर कमरे को कहते हैं, फ्लैशे कहते हैं कि रूम का साइज कितना हो, फ्लैशे आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 20 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। तो क्राइस इसको छोड़ दो आप, इसका इशू नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप वोनू को क्लिक कर सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आप एडवांस में इनको ईमेल कर सकते हो कि मैं इस अरसे में आ रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैसे लिखा हुआ है हाउस उन ग्रुंट इमिबिल उन गे एम बेहा, यहाँ पे 395 यूरो रेंट है, 22 स्क्वेयर मीटर इसका रकबा है। लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स जो है वो सजेस्ट करूंगा वेगे गिजूफ्ट,
सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल्स, अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर वेगे गजूर पे देखें। सबसे सस्ती जो अकोमोडेशन है वो फ्रेंड्स आपको मिलेगी स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल की, मत भूलें स्टूडेंट रेजिडेंस हॉल को चूज करें अपने लिए सबसे पहले, स्टूडेंटनवर्क को रब्ता करके या फिर जो इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटनवर्क का एड्रेस और ईमेल आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं इस वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ना मिले यहाँ पे अगर खुदा ना हास्ता तो फिर आप तलाश कर सकते हो वेगे गजूफ्ट में, अगर यहाँ पे ना मिले फिर आप मिलियन स्काउट पे जाओ, लेकिन चूंकि वो बहुत महंगी फिर आपको मिलेगी। इसके बाद अगर आप लोग सपोज करते हो कि वेगे गजूफ्ट पे आपको रिहाइश मिल गई है वोहनगेमाइनशाफ्ट में, आप यहाँ पे आकर रह लोगे, तो उसके बाद आप पहली रातें कहाँ पे गुजारोगे? देखो जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट अगर आप लेते हो रिहाइश, तो आपको उसके लिए यहाँ पे आके पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मालिक से मिलना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और चाबी दी जाएगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स को बड़ा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ पे जो है अपनी फर्स्ट नाइट जो है वो गुजार सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हो इंटरनेशनल ऑफिस से, उसे बता सकते हो मैंने आना है, मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे रिहाइश के लिए पहले कुछ एक दो वीक जो है वो चाहिए, वो आपको अरेंज कर देंगे यूथ हॉस्टल में या कहीं पे भी स्टूडेंटनवर्क की अपनी यूनिवर्सिटी में, दूसरे रूम्स भी होते हैं आगे पीछे या आरजी रूम वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आप फर्स्ट राइट्स वहाँ पे बिता सकते हो। फ्रेंड्स ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी हो, मालूमाती लगी हो, तो आप इसको शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और ट्विटर और फेसबुक की टाइमलाइन पे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, अगर आपने कर लिया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देते हुए। तो ये थी आज तक की इन्फॉर्मेशन, टिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, बाय बाय।